हरियाणा के शहरी विधानसभा क्षेत्रों में शुरू होने वाली कांग्रेस महासचिव एवं सांसद कुमारी शैलजा की पदयात्रा से पहले नए राजनीतिक समीकरण बन गए हैं। शैलजा के नेतृत्व वाला एसआरके अब एसआरबी गुट बन गया है। एसआरके मतलब कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी। तो शाम की विधायक किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुकी है, इसलिए एसआरके गुट टूट गया था। लेकिन शैलजा के 27 जुलाई से आरंभ होने वाली अपनी पदयात्रा का जो पोस्टर जारी किया है उसमें शैलजा व रणदीप सुरजेवाला के साथ वीरेंद्र सिंह का फोटो जुड़ गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह का फोटो शैलजा व रणदीप के साथ जुड़ने के साथ ही अब एसआरके गुट का नया नाम एसआरबी गुट पड़ गया है। वीरेंद्र सिंह हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा आरंभ किए गए हरियाणा मांगी साहब अभियान को लॉन्चिंग के मौके पर सबसे आगे बैठे दिखाई दिए थे, लेकिन तब हुड्डा ने उन्हें बातों ही बातों में कांग्रेस पार्टी का मार्गदर्शक बोल दिया था। हुड्डा की इस बात को स्वीकार करने की बजाय वीरेंद्र सिंह ने जवाब दिया था कि वे मार्गदर्शक ही नहीं बल्कि विशुद्ध राजनीतिक व्यक्ति भी हैं। शैलजा की पदयात्रा के पोस्टर रणदीप सुरजेवाला है, वीरेंद्र सिंह के अलावा राहुल गांधी तथा मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रमुख स्थान मिला है। पोस्टर पर महात्मा गांधी व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल का फोटो भी लगे हैं। पोस्टर से कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयपान सिंह के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फोटो गायब है। हरियाणा मांगी साहब अभियान के मंच पर हुड्डा और वीरेंद्र सिंह के बीच बढ़िया जुगलबंदी दिखाई दी। तब लग रहा था कि वीरेंद्र सिंह अब हुड्डा गुट के साथ आ गए हैं, लेकिन अब शैलजा के पोस्टर पर वीरेंद्र सिंह का फोटो आ जाने के बाद हरियाणा कांग्रेस की राजनीति में बड़े नए समीकरण बनते नजर दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया और शैलजा व रणदीप सुरजेवाला के बीच अच्छा तालमेल नहीं है। बाबरिया को हुड्डा गुट की पसंद माना जाता है, लेकिन संगठन बनने में हो रही देरी और कुछ मुद्दों पर स्वयं के फैसलों की वजह से हुड्डा गुट के कुछ नेता बाबरिया से नाराज हैं। बाबरिया हरियाणा मांगी साहब के अभियान के लॉन्चिंग के मौके पर चंडीगढ़ नहीं आए थे, लेकिन उसके कुछ दिन बाद पंचकुला व चंडीगढ़ के 2 दिन के प्रवास पर रहे। साथ ही उन्होंने शैलजा व रणदीप तथा किरण चौधरी के कार्यक्रमों पर भी अपनी स्वीकृति की कभी मोहर नहीं लगाई। बने रहे चैनल के साथ, मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।